कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एट कैफे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ की तरफ से आ रही है। बीएसएफ में वाटर विंग्स के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है जो कि 250 प्लस वैकेंसी है उसके अंदर। फ्रेंड, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, एसआई, वेरियस पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। फ्रेंड ए टू जेड जानकारी मिलेगी आपको नोटिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तरफ से यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है बीएसएफ वाटर विंग्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2022 की रिक्रूटमेंट है। फ्रेंड इसके अंदर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जाएंगे, ठीक है, और बी एंड सी ग्रुप की ये वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड, आप वैकेंसी की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानते हैं। फ्रेंड सबसे पहले आपकी एसआई की वैकेंसी आ रही है, एसआई मास्टर ग्रुप बी की, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है और लेवल 6 की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है इसके अंदर। 22 से 28 साल की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 आपके पास होना चाहिए और सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय द सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मतलब आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं सेकंड की जो एसआई इंजन की, इंजन ड्राइवर की है, इसमें भी लेवल 6 की आपकी सैलरी रहने वाली है, 22 से 28 साल आपकी एज रहने वाली है, 10+2 आप पास आउट होने चाहिए और फर्स्ट क्लास के अंदर इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास जो कि इशू होगी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं एसआई वर्कशॉप की, इसमें लेवल 6 की आपकी सैलरी रहने वाली है और 2 वैकेंसी है और 20 से 25 साल आपकी एज है, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपकी और इसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या किसी में भी आपके पास होना चाहिए जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो इस वीडियो के अंदर है। हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की है फ्रेंड, इसके अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 52 वैकेंसी और लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली है और 20 से 25 साल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10th पास होनी चाहिए और आपके सर्वेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रेंड इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर की है जिसमें 64 वैकेंसी है और लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली है और 20 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है, जिसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके बाद आपके पास सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप की, जिसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, इसमें काफ़ी वेरियस टाइप निकाला गया है। फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रिकल, एसी, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, इनकी हर प्रकार की वेरियस टाइप की निकली हुई है इसमें हेड कॉन्स्टेबल। एक सेकेंड, हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप के अंदर जो कि ग्रुप सी की सर्विस रहने वाली है फ्रेंड इसके अंदर आपकी, और इसमें वेरियस टाइप की आपकी वैकेंसी निकली हुई है। फ्रेंड लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली है और 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। फ्रेंड इसके अंदर आईटीआई पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 10th पास होना चाहिए और आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड आईटीआई कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद कॉन्स्टेबल क्रू, इसमें 130 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी के अंदर आई है। लेवल 3 की आपकी सैलरी रहने वाली है, 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP एंड शुड बी नाउ स्विमिंग डीप इन वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट एंड सबमिट एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। एनेक्सर डी के अंदर आपकी कोई सर्टिफिकेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्विमिंग से रिगार्डिंग इन्होंने बताया गया है डीप वाटर के अंदर, और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब कुछ अगर आपके पास हो तो आप कॉन्स्टेबल क्रू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड टोटल वैकेंसी की बात की जाए 281 वैकेंसी है इसके अंदर। ठीक है, 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है और वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है बीएसएफ के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्म एप्लीकेशन आएंगे वो 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा, ऑनलाइन आपके लिए ये एप्लीकेशन आने वाली है। अभी फिलहाल रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ नोटिफिकेशन का एक छोटा सा मैसेज आया है कि आपकी ये वैकेंसी रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अभी इसकी एज लिमिट, जो इसकी क्लोजिंग डेट आएगी उससे इसकी एज लिमिट काउट होने वाली है जो कि डी ऑप्शन में साफ साफ बताया गया है।
फ्रेंड इसमें एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए, एक सेकंड फ्रेंड, एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो इसमें 200 रुपीज लगने वाले हैं ग्रुप बी के लिए, और ग्रुप सी के लिए आपके 100 रुपीज लगने वाले हैं। फ्रेंड जितनी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं हर एक बताऊंगा आपको। फ्रेंड इसके लिए विजिट करने के लिए आपके पास वेबसाइट दे रखी है BSF की ऑफिशियल। एनी अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलेबल इन BSF वेबसाइट है। फ्रेंड इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, यह शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है BSF की तरफ से। फ्रेंड इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा, इसका डिटेल नोटिफिकेशन की वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।